ये है कि वन बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटाइनस साइन थीटा इन कॉस थीटा, थीटा प्रूव करना है तो मैंने आपको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का रूल क्या बताया कि जो भी डिनोमिनेटर में टर्म हो अगर आप रेशनलाइज करना चाहती हो तो जस्ट उसके नेगेटिव टाइम साइन से मल्टीप्लाई कर दो तो फ्रॉम एल एच एस चलिए वन बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा ठीक है वन बाई सेक थीटा प्लस टैन थीठा हमने कर दिया अब हम क्या कर रहे हैं इसको रेशनलाइज करते हैं रेशनलाइज़ करने के लिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा माइनस टैन थीठा तो न्यूमरेटर yes. में हमारे पास क्या होगा रुक जाइए फ़ैन को ऑफ करने में न्यूमिरेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमारे पास होगा और डिनोमिनेटर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अभी अभी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है यहाँ लिख दीजिए यूजिंग दी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन तो ये पूरा डिनोमिनेटर वन हो गया तो आपके पास बच गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा बाई वन तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा बचा बच अब इसको क्या कीजिए सेक को चेंज कर दीजिए सेक को वन बाई कॉस थीटा हम लिख सकते हैं और टेन को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा अब इसका फ्रैक्शन का सब कर दीजिए एल हो गया कॉस थीटा वन माइनस साइन थीटा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यही प्रूव करना था ना एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूवसाइनस यही प्रूफ करना है ना कि दूसरा है one minus theta by cos theta, आ तो गया one minus